हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस की और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहली वाली वीडियो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। जैसा कि मैंने इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। मैं एक बार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रॉफिट जब भी होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल पर, सीपी पे हमेशा प्रॉफिट होता है। अगर ₹100 है और प्रॉफिट अगर हो रहा है 10%, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का, तो हम 110 100 में ऊपर जितना प्रॉफिट होता है उतना 100 में ऐड कर देते हैं, और जितना लॉस होता है उतना 100 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड डिवाइड बाई 100। जब परसेंटेज का साइन आता है 100 से 100, दैट मीन्स 110 रुपीज़। अगर 100 पर ₹10 का प्रॉफिट होगा तो 110 आएगा। सेम एज 100 पर जब 10% का लॉस होगा तो 100 में से लॉस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कितना 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, 90। सो 90 100 डिवाइड बाई आएगा ही आएगा, 100 से 100, दैट मीन्स 90। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पर अप्लाई होगा कितने जितने का प्रॉफिट हुआ तो वो 100 में ऐड हो जाएगा, ऊपर डिवाइड बाई नीचे 100 आएगा, और ड्रॉ लॉस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 आएगा, जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसके साथ वो सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चंस पर आते हैं हम। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो भी लगेगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही लगेगा। अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस पर है तब सेलिंग प्राइस पे लगेगा, अगर नहीं दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस पर ही लगेगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी। नौ क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है पहला, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लोथ, 33 मीटर क्लोथ को सेल करा जा रहा है, अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट, प्रॉफिट उसको मिल रहा है शॉपकीपर को कितना, इक्विवेलेंट किसके, इक्विवेलेंट किसके बराबर, टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। मतलब अगर वो 33 मीटर का क्लोथ जो हो रहा है वो सेल कर रहा है तो उसे 11 मीटर के क्लोथ के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सपोज अगर 1 मीटर क्लोथ का सेलिंग प्राइस ₹1 है, ठीक है, ₹1 है, ठीक है, तो 33 मीटर का जब वो सेल करेगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 33 मीटर का सेलिंग प्राइस ₹33। मतलब 1 मीटर अगर ₹1 का बेच रहा है तो 33 मीटर कितने का बेचेगा, ₹33 का, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्वलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, 11 मीटर का जो सेलिंग प्राइस होगा उसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹11, क्योंकि 1 मीटर कितने का है, ₹1 का है, तो 11 मीटर कितने का होगा, ₹11 का होगा, उतना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। सेलिंग प्राइस हो गया, प्रॉफिट हो गया, हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों किस पर होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर होते हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अगर SP पता है, प्रॉफिट पता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 33 11, तो ₹22 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्रॉस प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 22। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट कितना है, 11, हमेशा किस पर होता है, वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, परसेंटेज निकालना है, दैट 11 2 50, दैट मीन्स 50% जो होगा वो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। अब आप ये कैलकुलेशन जो है ये माइंड में कर सकते हैं, अगर 33 मीटर है तो ₹33 हो गया, ₹11 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सीधे कॉस्ट प्राइस आ गया ₹22, आपको 11 बाई 22 करो, क्योंकि प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो कॉस्ट प्राइस नीचे, जितना प्रॉफिट है उतना, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर लॉस परसेंट होता तो लॉस ऊपर होता, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, मतलब CP ऑफ 15 आर्टिकल, ठीक है, इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल। अगर इन दोनों को मैं रुपीस एक्स लेट कर लेता हूँ, रुपीस एक्स लेट कर लेता हूँ, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय CP और SP सेम आर्टिकल का निकाल लेते हैं, या फिर 1 आर्टिकल का निकाल लीजिए, ठीक है, 1 आर्टिकल का निकालेंगे, CP ऑफ 1 आर्टिकल तो 15 नीचे चला गया, XY 15 हो जाएगा, SP ऑफ 1 आर्टिकल 10 नीचे चला, XY 10 हो जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए, मतलब सेम आर्टिकल, जरूरी नहीं है 1 आर्टिकल, सेम आर्टिकल का 1 आर्टिकल पे निकाल लीजिए। अब सपोज यहाँ 15 है तो यहाँ पे भी 15 बना लीजिए, CP ऑफ 15 आर्टिकल, SP ऑफ 10 आर्टिकल दोनों इक्वल है, दोनों को मैंने रुपीज़ एक्स लेट कर लिया है, दैट मीन्स CP ऑफ 15 आर्टिकल कितना है, ₹X, ठीक है, ये SP ऑफ 10 आर्टिकल कितना है, ₹X, लेकिन हमें आर्टिकल इक्वल करने हैं। अगर यहाँ 10 आर्टिकल हैं, 10 आर्टिकल का SP ₹X है, तो
फाइव आर्टिकल कितना होगा, जस्ट हाफ, टू से डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, फाइव आर्टिकल कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू, टेन का एक्स है और फाइव का एक्स बाई टू, तो फाइव आर्टिकल इसमें और जब ऐड होंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, फिफ्टीन आर्टिकल, तो और इसमें कितना ऐड हो जाएगा, इसमें एक्स वाई टू ऐड हो जाएगा विच इज़ 3xy 2 रुपीज़, ये आ गया 15 आर्टिकल का, एसपी, एसपी आ गया 15 आर्टिकल का, सीपी आ गया 15 आर्टिकल का रुपीज़ एक्स। द प्रॉफिट परसेंट, मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, हमेशा सीपी पे निकलता है, सीपी कितना है 15 आर्टिकल का, एक्स, एक्स नीचे रखा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट हमें ऊपर रखना पड़ेगा, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 3x/2, सीपी एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब 3x/2 में से एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा क्या बचेगा, एक्स बाई टू मल्टीप्लाई 100, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1/2 इंटू 100, टू से कैंसिल करेंगे, 50% इज़ योर आंसर, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 50%। तो ऐसे क्वेश्चन में आर्टिकल सेम कर लेते हैं, दोनों आर्टिकल सेम कर लो, जिसका ज़्यादा हो उसको वैसे ही रखो और कम वाले को उतना ही में चेंज कर लो, या वन आर्टिकल का निकाल के सॉल्व कर लो, सिंपल। नेक्स्ट पर आते हैं, बाय सेलिंग अ हॉर्स फॉर रुपीज़ 570, एक हॉर्स है वो 570 रुपीज़ का सेल करा जा रहा है, अ ट्रेड्समैन वुड लॉस 5%, उसको कितने का लॉस हो रहा है, 5% का, जब वो सेल कर रहा है, अगर सी पी रुपीज़ एक्स है सपोज, ठीक है, अब इसमें भी आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा, वहाँ पे टाइम बहुत बचेगा आपका एग्जाम्स में, अगर इसकी प्रैक्टिस होगी आपकी तो इस मेथड की, ऐसे ही सेम अगर सी पी एक्स रुपीज़ है और उस पर 5% का लॉस हो रहा है, तब वो इतना सेल हो रहा है, मैंने अभी आपको क्या बताया, जब लॉस होता है तो 100 से सेपरेट कर देते हैं, कितने का, 5% का हो रहा है, तो 95/100 इतने का हो रहा होगा, तब जाके वो सेल हो रहा होगा, जो कि कितने का है, 570 का, इतने का वो सेल हो रहा होगा, सी पी पर 5% का लॉस लगा, जब लॉस हुआ तब वो कितने का बिक रहा है, 570 रुपये का बिक रहा है, जब 5% का लॉस हो रहा है, तो एक्स की वैल्यूम निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यूम कैसे निकालेंगे, 95 6 95 6 570 होता है, एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो आएगा हमारा 600, तो ये सी पी हो गया, सी पी आपका आ गया, सी पी आपको पता चल गया 600 है। अब वो कह रहा है एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल, अब वो कितने पर उसको सेल करें टू गेन 5%, 5% का गेन हो, अब मैंने बताया आपको कि गेन और लॉस, जो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो सी पी पर होता है, सी पी हमें पता चल चुका है 600, तो 600, ठीक है, 600 पर 5% का गेन हो रहा है, तो 5% का गेन मतलब 100 में ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 100, ठीक है, 100 से ये कैंसिल जीरो दोनों, 6 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 630, दैट मीन्स 630 इज योर आंसर, 5% का अगर गेन हो रहा है तो वो कितने पे सेल होगा, 630 रुपये पे वो सेल होगा, ये 630, 630 इज योर आंसर, क्लियर है, सिंपल, सी पी लेट करा, उस पर हमने लॉस लगा दिया, लॉस लगा के जो सेल होगा वो दिया हुआ है कि अगर हॉर्स जो है 5% लॉस पे सेल होता है तो वो 570 का सेल होता है, लॉस किस पर होगा, हमेशा सी पी पे होगा, और फिर वो कितने पर उसको सेल करा जाए अगर 5% का गेन हो रहा हो, तो 5% का गेन डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, वैल्यू, ये सब बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो सकती है, क्विक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट स्वीट सेलर, एक स्वीट सेल है जो स्वीट सेल करता है, मिठाई बेच रहा है, सेल्स स्वीट एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे वो सेल कर रहा है, बट यूजेस 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दैट मीन्स प्रॉफिट ऊपर रखना है, सीपी नीचे रखना है, और 100 से मल्टीप्लाई करनी है, ये प्रॉफिट परसेंट निकल कर आएगा। उसके लिए वो क्या कह रहा है, अगर आप स्वीट लेने जा रहे हो, मिठाई लेने जा रहे हो, आप अगर 1 किलो मिठाई मांग रहे हो तो वो 800 ग्राम मिठाई आपको दे रहा है, ठीक है, 800 ग्राम का वो किस तरह चीटिंग करके 800 ग्राम की मिठाई आपको दे रहा है 1 kg के जगह पर, और उस पर भी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, 800 ग्राम, ठीक है, मैं ग्राम वराम नहीं लिख रहा हूँ, 800 जो है, एक 1 kg में कितने ग्राम होंगे, 1000, ठीक है, तो 1800, ठीक है, 200 ग्राम का गैप आया, 200 ग्राम का गैप आया, ठीक है, 200 ग्राम, सॉरी, ठीक है, 200 ग्राम का गैप आया, तो वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम की आपको दे रहा है, तो वो 200 ग्राम तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है उसको, अब उसको 10% प्रॉफिट और हो रहा है, वो जो 10% प्रॉफिट है वो किस पर हो रहा होगा, वो तो 1 kg पर हो रहा होगा, मैं, ठीक है, 1 kg पर प्रॉफिट हो रहा होगा, इस पर थोड़ा होगा, 1 kg पर होगा, तो जब 1000 पर 10% प्रॉफिट करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको ऐसे कर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 1100
तो यहाँ पर कितना आया 1100। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 100 का, 100 ग्राम का। तो दैट मीन्स उसे 200 ग्राम का प्रॉफिट तो यहाँ से हो रहा है, क्योंकि वो 200 ग्राम कब की दे रहा है आपको, और 100 ग्राम का यहाँ से हो रहा है प्रॉफिट। टोटल कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 300 ग्राम का। मैं ग्राम में निकाल रहा हूँ, रुपीज़ में नहीं निकाल रहा, ये शॉर्ट एक मेथड आपको बता रहा हूँ। तो 300 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब 300 ग्राम का प्रॉफिट उसको हो रहा है, और किस पर हो रहा है, क्योंकि वो कितने उसके पास से कितना जा रहा है, 800, ठीक है, 800। तो 800 पर उसको हो रहा है मल्टीप्लाई, कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स 300/8। इसको चाहे मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करना चाहो चेंज कर लो, जैसा आंसर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, इतना परसेंट इज योर आंसर, ठीक है। तो यही है, जितना भी डिफरेंस होता है वो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, 4/8% ये आपका आंसर आ जाएगा जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो जितने ग्राम का हो रहा है। अब इसी टाइप से एक और मैं दिखाता हूँ, जब प्रॉफिट हुआ था तो 1000 के इधर आ गया था, अगर यहीं पर अगर लॉस की बात आती तो वो वापस इधर आ जाता, और फाइनल में हम देखते हैं कितने का हमारा डिफरेंस है, फाइनल में कितने का, 300 ग्राम का डिफरेंस आ रहा था, 800 से 1100 में 300 ग्राम का डिफरेंस आ रहा था, तो वो उसको प्रॉफिट हो रहा था। अब सेम है, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट एट 5% लॉस। अब वो 5% लॉस पे सेल कर रहा है, इफ़ ही यूजेस 850 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। अगर आप 1 किलो फ्रूट ले रहे हो या 1000 ग्राम फ्रूट ले रहे हो, तो वो आपको 850 ग्राम दे रहा है, ठीक है, और उस पर उसको 5% का लॉस हो रहा है, तो वो 850 ग्राम, ठीक है, 1000 पर, ठीक है, सबसे पहले 1000 पर कितने का है, 150 का डिफरेंस है। अब 1000 पर उसको 5% का लॉस हो रहा है, जब 5% का 1000 पर लॉस करोगे तो 1000 पर जब 5% का लॉस करोगे तो 95/100, तो 950 आएगा, 950 ग्राम। अब ये आगे नहीं लिखे, प्रॉफिट आगे लिखा जाता है, प्रॉफिट जब ये हुआ है तो इधर आ जाएगा 950। तो ये कितने का इसमें डिफरेंस आया, इसमें तो ओनली 50 का है, लेकिन हमें अब फाइनल डिफरेंस देखना है। 850 का उसने सेल करा था, कि प्रॉफिट अभी भी प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, किस पर प्रॉफिट परसेंट होता है, सीपी पे होता है, जो पहले उसके पास से कितना गया, 850 गया उसके पास से, उसके पास से 850 ग्राम ही गया है, ठीक है, और 950 तक हमारा फाइनल कैलकुलेशन पहुंचा है, तो डिफरेंस कितने का है, 100 का, 100 का, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 8 से 0 0 कैंसिल कर दिया, 5 2 जा 5 1 जा 17। तो अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ, इधर लिखता हूँ मैं, 200/17% इज योर आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल, जब फाइनल जो होगा, जितने का उसने हमको जितना ग्राम हमें दिया और कितने की चीट करी उसने, ये तो 1 kg की जगह, 1 kg की जगह 850 ग्राम दिया, और जो लॉस हुआ है वो जितने का हमको 1 kg ट्रीट करके दे रहा है उस पर ही लॉस होगा, इसी पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब इस पर लॉट होगा तो बैक करेगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो आगे जाएगा। तो इनिशियल वाला और फाइनल वाले में डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे इसमें मैंने एक करके दिखाया था 300, इसमें पूरा डिफरेंस कितने का था, 300 का था, इसलिए 300 ऊपर रखा था। ऐसे ही इनिशियल और फाइनल वाले में कितने का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, तो 100 और कितने उसके पास से कितना गया, 850 गया है, और मल्टीप्लाई इंटू 100, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा निकल आएगा कितने परसेंट हमारा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, उसके पास से 850 गया है और उसने दिया आपको कितना है, 9 जो फास्ट दिया नहीं, सॉरी फाइनल जो आया है वो 950 आया है, तो डिफरेंस कितने का, 100, अभी भी 100 ज़्यादा है, तो इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 850 से कम जाएगा तभी वो लॉस में आएगा अभी, तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट पर निकाला था उसमें। क्लियर है, थैंक यू। ऐसे ही मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे पूछेगा, मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूंगा। तो ये ट्रिक, इसको एक दो बार वीडियोज़ को देखिएगा, आपको क्लियर होगी ये चीज़ें। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।